यह है हमारा सहजन वाला खेत। यहाँ हमने सभी पौधों को काट दिया है और खेत को क्लीन करने के लिए बकरियाँ चरा देने वाले हैं। यहाँ एक सहजन का पेड़ रह गया है जो भाई अभी काट रहे हैं। ये एक गया। यहाँ सभी बकरियाँ सहजन के पत्ते को खाने के लिए दौड़ पड़ी है। अब थोड़ी देर में सभी पत्तों को ये खा जाएगी। ये भाई अभी गोट मिल्किंग कर रहे हैं और उसके बाद बकरी के दूध की बनाएंगे चाय। ये है बकरी का दूध और ये है देसी चूल्हा। इसमें डाल दिया है लकड़ियाँ और अब इसे जलाते हैं। यहाँ चूल्हा जल चुका है और दूध में डालते हैं अब चाय। ये गई चाय, ये गई शुगर। अभी से रखते हैं चूल्हा के ऊपर और करते हैं गरम। यहाँ इस बकरी की खाने की स्टाइल देखो। अब यहाँ चाय बन के तैयार है। अब यहाँ सभी बकरियाँ जा चुकी है और हमारे इस खेत में थोड़ा बहुत घास खा गई है और थोड़ा बहुत है। इस साइड में भी थोड़ा बहुत खाया है और थोड़ा बहुत है। आज हमारे ये दोनों अलग अलग खेत को एक साथ करने का है। यहाँ जेसीबी ने उनका काम शुरू कर दिया है और बहुत सारे बगुले भी आ गए हैं छोटे छोटे पिकट खाने के लिए। और यहाँ हमारी खेत की पीवीसी पाइप को जेसीबी ने तोड़ दिया है। Thank you.
और बीच में मिट्टी थी, तो उनको यहाँ एक साइड जेसीबी का फेंक काम दिया है। पूरा हुआ है। अब इस घास को पानी देना है और गर्मी भी बहुत है तो पानी में बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ इस घास को पानी दे दिया है और फिर ये गुवार में पानी जा रहा है और इसमें भी ऐसे छोटे छोटे गुवार आ गए हैं। ये है तिल और इसमें भी फ्लावरिंग लगना शुरू हो गई है। ये है कुकुम्बर और ऐसी छोटी छोटी कुकुम्बर भी आ गई है। ये इसकी बेल है।